गुड मॉर्निंग एवरीवन, हमारा रीनल सिस्टम चल रहा है जिसके अंदर हम डायूरेटिक्स पढ़ रहे थे। हाई एफिशिएंसी डायूरेटिक हम पिछले पार्ट वन के अंदर कर चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे मीडियम एफिशिएंसी डायूरेटिक जो कि है पार्ट टू। तो टॉपिक स्टार्ट करते हैं। पिछली वीडियो में मैंने आपको फोर साइट्स बताई थी जहां पे डायूरेटिक्स, अलग अलग कैटेगरी के डायूरेटिक्स अलग अलग साइट्स के ऊपर वर्क करते हैं। ठीक है, तो आज हम डायग्राम देख लेते हैं। ये जो आपको डायग्राम दिख रहा है ये नेफ्रोन का डायग्राम है। ठीक है, तो स्टार्टिंग होती है यहां से, फिल्ट्रेशन होता है इस जगह जो कि है बोमेन कैप्सूल। ठीक है, यहां से फिल्टर्ड होके वेस्ट प्रोडक्ट ट्रेवल करता हुआ बाहर निकल जाता है यूरिन के थ्रू। ठीक है, अब यहाँ पे अलग अलग साइट्स प्रेजेंट रहती है जहां से जो भी काम में आने वाली चीज है वो वापस रीअब्सॉर्ब हो जाती है। ठीक है, तो फर्स्ट वन जो आता है वो आता है पीसीटी। ठीक है, पीसीटी को बोलते हैं प्रोक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। ठीक है, स्ट्रक्चर में अगर इसको याद रखना है तो जो बोमेन कैप्सूल जो है उसके जस्ट पास वाला जो स्ट्रक्चर होगा वो होगा पीसीटी। पीसीटी का P4 पास में और P4 प्रोक्सिमल। ठीक है, तो जो सबसे फर्स्ट वाला होगा वो होगा पीसीटी। ठीक है, यहां पे एक्सचेंज होगा NaCO3 का। ठीक है, और पीसीटी में एक और जो एक्सचेंज होता है वो होता है सोडियम का। ठीक है, तो Na यानी कि सोडियम और H+ आयन का एक्सचेंज होता है पीसीटी के अंदर। यहां तक बात क्लियर है? दूसरा आता है स्ट्रक्चर, जो स्टार्टिंग वाला स्ट्रक्चर है ये होगा असेंडिंग लूप ऑफ Henle। ये वाला पार्ट होगा लूप ऑफ Henle और यहां पर आएगा डिसेंडिंग पार्ट ऑफ द लूप ऑफ Henle। ठीक है, तो जो लूप ऑफ Henle है यहां पे एक्ट करती है लूप डायूरेटिक्स जो कि हमने पार्ट वन की वीडियो में पढ़ा था, हाई एफिशिएंसी डायूरेटिक। ठीक है, यहां पे जो आयंस एक्सचेंज का काम चल रहा था वो हो रहा था सोडियम, पोटेशियम और 2-क्लोराइड आयन। ठीक है, उसके बाद में फिर जो नेक्स्ट साइट आती है वो आती है डीसीटी। ठीक है, यहाँ पे फिर वापस दो आयन्स का काम चलता है, मेनली सोडियम और क्लोराइड आयन का। यहाँ तक बात क्लियर है? फिर जो नेक्स्ट साइट आती है वो आती है कलेक्टिंग डक्ट। यहाँ पे सोडियम भाग जाएगा तो पोटेशियम अंदर आएगा। ठीक है, तो जो आज की हमारी साइट है वो मेनली साइट रहेगी साइट थर्ड। ठीक है, साइट थर्ड के ऊपर आज हम स्पेशली बात करेंगे हमारे आज के टॉपिक में। मैंने डायग्राम आपको इसलिए दिखाया ताकि आपको साइट वापस माइंड में आ जाए। ठीक है, मेनली हमेशा डायूरेटिक्स की बात जब जब होगी तब डायूरेटिक स्पेशली अपनी साइट के ऊपर वर्क करती है, उसकी वजह से उसका मैकेनिज्म कैरी आउट होता है। ठीक है, तो हर साइट का स्पेशली एक दो आयन से जिसके ऊपर वो एक्ट करती है। ठीक है, या तो वो एक्सचेंज में बाहर निकालेगी, मान लीजिए कि सोडियम अंदर जाए तो पोटेशियम बाहर निकलेगा। ठीक है, या फिर दोनों साथ में अंदर बाहर होंगे, यानी कि सोडियम और पोटेशियम दोनों के दोनों साथ बाहर होंगे। ठीक है, तो जो साइट फर्स्ट है उसमें क्या होता है, सोडियम और H+ आयन का एंटीपोर्ट। ठीक है, यानी कि एंटीपोर्ट यानी कि एंटी मतलब अलग और पोर्ट मतलब आवाजाही। ठीक है, तो सोडियम आयन और H+ आयन का एक्सचेंज में एंटीपोर्ट ट्रांसपोर्ट होता है। ठीक है, साइड सेकंड में होता है सोडियम, पोटेशियम और 2-क्लोराइड आयन का को ट्रांसपोर्ट बोलू तो सोडियम, पोटेशियम और 2-क्लोराइड आयन तीनों के तीनों एक साथ बाहर निकलेंगे। समझ में आ रहा है यहां तक? को ट्रांसपोर्ट, को मतलब साथ में। अब मेन सुनना, साइड थर्ड जिसके ऊपर आज हमारी मीडियम एफिशिएंसी डायूरेटिक्स मेनली वर्क करेगी। ठीक है, तो जो साइड थर्ड है उसमें आयन्स कौन कौन से आते हैं, सोडियम एंड दी क्लोराइड आयन। इसमें भी सिंपोर्ट हो रहा है यानी कि दोनों के दोनों एक साथ बाहर निकलेंगे। यहां तक बात क्लियर है? साइड फोर आती है जिसमें सोडियम और पोटेशियम आयन का एक्सचेंज होगा, यानी कि सोडियम अंदर जाएगा तो पोटेशियम बाहर निकलेगा, पोटेशियम अंदर जाएगा तो सोडियम बाहर निकलेगा। ये उस पर वर्क करता है कि प्रोसेस इनहिबिट हो रहा है या फैसिलिटेट हो रहा है। यहां तक बात क्लियर है?
तो आज का हमारा टॉपिक है मीडियम एफिशिएंसी डाइवर्टिव, जो कि मैंने आपको बोला था ये साइट थर्ड के ऊपर एक्ट करेगा। साइट थर्ड के ऊपर कौन कौन से आयन्स मैंने स्पेशली बोले थे, सोडियम और क्लोराइड आयन का सिंपोर्ट, ठीक है। तो मीडियम एफिशिएंसी डाइवर्टिक जो है, जिसके अंदर थाइजाइड और थाइजाइड लाइक डाइवर्टिक आता है, वो इनिबिट कर देगा सोडियम और क्लोराइड के सिंपोर्ट को। यानी कि सोडियम और क्लोराइड जो बाहर निकलने चाहिए थे, ठीक है, वापस रीएब्जॉर्प्शन जो इनका होना चाहिए था बॉडी के अंदर, वो नहीं हो पाएगा, ठीक है। और जब भी मैंने आपको बोला था, जब भी रीएब्जॉर्प्शन कम होगा तो यूरिन आउटपुट बढ़ेगी, और यूरिन आउटपुट बढ़ना ही क्या है, डायूरेटिक एक्शन। यहां तक बात क्लियर है? आगे सुनना यूजेस। तो पिछली वीडियो के अंदर मैंने आपको टर्मिनोलॉजीज के अंदर सारी वीडियो अच्छे से एक्सप्लेन, सॉरी सारी जो टर्मिनोलॉजीज थी वो अच्छे से एक्सप्लेन की थी। आज यूजेस के अंदर आती है नेट्री यूरेटिक। नेट्री, नेट्री यानी सोडियम, और यूरेटिक मतलब यूरिन के थ्रू बाहर निकलना। यानी कि नेट्री यूरेटिक का मतलब क्या कह रहा है, सोडियम यूरिन के थ्रू बाहर निकलेगा। तो जब भी अपने को सोडियम को यूरिन के थ्रू बाहर निकालना है तो आप थायराइड का यूज ले सकते हैं। कैलीयूरेटिक यानी कि पोटेशियम भी आप यूरिन के थ्रू बाहर निकाल सकते हैं। सेल्यूरेटिक, सोल्ट का मैंने आपको बोला था कि सोडियम और जो क्लोराइड होता है वो मिलकर बनता है सोल्ट, ठीक है। तो जब सोल्ट बाहर निकल जाए, यानी कि सोडियम क्लोराइड दोनों बाहर निकल जाए, तो वो होगा सॉल्यूरेटिक, ठीक है। अब क्या है कि साहब डायूरेटिक है तो मोस्टली क्या होगा कि रीएब्जॉर्प्शन घटाएगा, और जिस जिसका रीएब्जॉर्प्शन इसने घटाया वो सारी चीज यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाएगी, ठीक है। तो साहब आपने क्या क्या बाहर निकाला, सोडियम बाहर निकाल दिया, पोटेशियम बाहर निकाल दिया, और सोडियम क्लोराइड भी बाहर निकाल दिया, ठीक है। लेकिन जो कैल्शियम है वो ये यूरिन के थ्रू बाहर नहीं निकालेगा, उसका मैकेनिज्म मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगा, ठीक है। तो इसमें स्पेशली याद रखना कि थाइजाइड जो होता है, मतलब कि मीडियम एफिशिएंसी डायूरेटिक जो है, थाइजाइड और थाइजाइड लाइक, ये कैल्शियम सेविंग करते हैं, यानी कि हाइपोकैल्सियूरिया। हाइपो मीन्स कम, कैल्सी मीन्स कैल्शियम, और यूरिया मीन्स यूरिन के द्वारा। तो ये यूरिन के थ्रू कैल्शियम को कम बाहर निकालते हैं, इसी वजह से मैंने यहाँ पर टर्म यूज ली है हाइपोकैल्सियूरिया, और दूसरी टर्म अपने सामने आती है हाइपरकैल्सीमिया। हाइपर मीन्स ज्यादा, कैल्सी मीन्स कैल्शियम, और ईमिया मीन्स इन दी ब्लड स्ट्रीम, ठीक है। तो ये यूरिन के थ्रू जब कम कैल्शियम बाहर निकालेगा तो ब्लड के अंदर कैल्शियम का अमाउंट क्या हो जाएगा, ज्यादा। तो इसलिए मैंने यहाँ पे बोला है हाइपरकैल्सीमिया। यहां तक बात क्लियर है? अब मैंने आपको बोला था कि ये सोडियम को भी बाहर निकालेगा, पोटेशियम को बाहर निकालेगा, और NaCl को भी बाहर निकालेगा, ठीक है। तो ये तो सीधी सी बात है, डायूरेटिक एक्शन के थ्रू ये बाहर निकाल देगा। अब जो मेन जिसकी मैकेनिज्म आपको ध्यान होनी चाहिए वो सुनो, कैल्यूरेसिस, कि कैसे ये पोटेशियम को बाहर निकालेगा, ठीक है। मैंने आपको साइट फोर में बताया था कि ये सोडियम और पोटेशियम का यहाँ पे एक्सचेंज होता है, ठीक है। या तो ये सोडियम को अंदर रख लेगा और या फिर पोटेशियम को बाहर निकाल देगा, ठीक है। ये मेनली डिपेंड करता है कि वो प्रोसेस इनहिबिट हो रही है या फैसिलिटेट हो रही है। तो आगे सुनो, कैलेयूरेसिस है ना। मैंने आपको बोला कि मीडियम एफिशिएंसी डायूरेटिक जो है वो साइड थर्ड पे एक्ट करती है और सोडियम और क्लोराइड का इनहिबिशन करती है। यहां तक बात क्लियर है? तो सोडियम और क्लोराइड का इनहिबिशन हो रहा है तो वो वहां से ट्रेवल करते हुए साइट फोर्थ पर पहुंच जाएगी, ठीक है। उनको मेनली बाहर निकलना है तो साइट फोर को भी क्रॉस करना पड़ेगा। साइट फोर क्या करेगी, पोटेशियम का लॉस कर देगी और सोडियम का रीएब्जॉर्प्शन कर लेगी, ठीक है। सोडियम को बॉडी के अंदर वापस खींच लेगी, ठीक है। तो जब सोडियम बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगा और पोटेशियम बाहर निकल जाएगा तो पोटेशियम का लॉस होगा यूरिन के द्वारा, इसीलिए मैंने यहां पे टर्म यूज लिए हाइपरकैलीयूरिया, ठीक है। जब यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाएगा तो ब्लड के अंदर कम प्रेजेंट रहेगा, ब्लड के अंदर उसका अमाउंट कम हो जाएगा, इसलिए मैंने यहां पे टर्म दी है हाइपोकैलेमिया। यहां तक बात क्लियर है? मैकेनिज्म समझ में आया? वापस सुनो, इनहिबिट किया उसने साइट थर्ड को। साइट थर्ड मेनली किससे डील कर रही थी, सोडियम और क्लोराइड के एक्सचेंज से। अब जब सोडियम का एक्सचेंज अच्छी तरह नहीं हो पाया तो ज्यादा से ज्यादा जो सोडियम है वो पहुंचेगा बाहर निकलने के लिए पहुंचेगा, ठीक है। तो बीच में क्या पड़ेगी, साइट फोर, साइट फोर सोडियम को दबोच लेगा,
कि भाई साहब कहाँ जा रहे हो, इधर आओ। ठीक है, अब सोडियम को दबोचेगा तो उसको उसके एक्सचेंज में कुछ ना कुछ देना पड़ेगा। तो वो क्या करेगा कि सोडियम को अपने पास रख लेगा कि ये तो मेरा लाडला है, और पोटेशियम को एक्सचेंज कर देगा उसकी जगह। तो सोडियम बॉडी के अंदर आ गया रीअब्सॉर्ब होके, और जो पोटेशियम है वो यूरिन के थ्रू बाहर निकल गया, और जो यूरिन के थ्रू बाहर निकला पोटेशियम उसको मैंने नाम दिया हाइपरकैलीयूरिया। यहां तक बात क्लियर है? दूसरी टर्म मैंने आपको बोली थी कि साहब ये जो मीडियम एफिशिएंसी डायूरेटिक है ये कैल्शियम की सेविंग करता है, ठीक है, कैल्शियम को यूरिन के थ्रू बाहर नहीं निकलने देता। तो इसकी मैकेनिज्म सुनो, हाउ हाइपोकैल्शियूरिया विल अकर। ठीक है, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि मीडियम एफिशिएंसी डायूरेटिक जो है वो साइट थर्ड के ऊपर वर्क करेगी। कौन सी साइट के ऊपर वर्क करेगी? साइट थर्ड के ऊपर वर्क करेगी। और साइट थर्ड के ऊपर कौन कौन से आयन्स होते हैं? सोडियम और क्लोराइड आयन, ठीक है, जिनका सिंपोर्ट होता है, यानी कि दोनों साथ बाहर निकलते हैं। तो जो मीडियम एफिशिएंसी डायूरेटिक है जिसके अंदर थाइजाइड और थाइजाइड लाइक डायूरेटिक्स आती है, वो मिलके इनहिबिट करती है साइट थर्ड को। साइट थर्ड के सिंपोर्ट जो चल रहा था सोडियम एंड क्लोराइड का, उसको वो इनहिबिट करती है। ठीक है, तो इनका एक्सचेंज नहीं हो पाएगा। एक्सचेंज यानी कि इनका बॉडी के अंदर रीअब्सॉर्प्शन नहीं हो पाएगा। ठीक है, अब क्या होगा कि साहब जब सोडियम बॉडी के अंदर रीअब्सॉर्ब नहीं होगा ना, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, कंपनसेटरी मैकेनिज्म आएगी। ठीक है, बॉडी डिमांड करेगी साहब सोडियम चाहिए। ठीक है, क्योंकि ट्यूबुलर जो सेल है उनके पास कमी हो गई सोडियम की। ठीक है, तो बॉडी बोलेगी कि साहब आप ऐसा करो, सोडियम तो नहीं दे सकते, आप ऐसा करो कैल्शियम ले लो, क्योंकि दोनों के पास क्या है, पॉजिटिव आयन्स है। ठीक है, दोनों के पास क्या है, पॉजिटिव आयन्स है। तो अब क्या होगा कि सोडियम जो जा रहा है वो एज इट इज जाएगा, लेकिन उसकी जगह क्या होगा, रीअब्सॉर्प्शन होगा कैल्शियम का। किसका रीअब्सॉर्प्शन होगा? कैल्शियम का। तो इसी वजह से कैल्शियम ज्यादा से ज्यादा रीअब्सॉर्ब होगा बॉडी के अंदर, इसी वजह से मैंने क्या टर्म दी, हाइपोकैल्शियूरिया। मतलब कि जब ज्यादा बॉडी के अंदर रीअब्सॉर्ब हो जाएगा तो यूरिन के थ्रू कम बाहर निकलेगा, तो वो हुआ हाइपोकैल्शियूरिया। ठीक है, और यहाँ पे मैंने लिख दिया है हाइपोकैल्शियमिया। ये हाइपोकैल्शियमिया नहीं है, ये हाइपरकैल्शियमिया है, यानी कि ब्लड के अंदर कैल्शियम ज्यादा हो जाएगा। यहां तक बात क्लियर है? अब सुनो, ड्रग्स जो कि मीडियम एफिशिएंसी डायूरेटिक में आती है, ठीक है, तो मैं बार बार नाम ले रहा था थाइजाइड एंड थाइजाइड लाइक। ठीक है, तो थाइजाइड में आती है हाइड्रोक्लोरोथाइजाइड, जिसका डोज होता है 12.5 to 100 mg, और जो दूसरी आई है थाइजाइड लाइक, उसका डोज होता है, उसमें आती है क्लोरथेलिडोन, जिसका डोज होता है 50 to 100 mg। सेकेंड ड्रग आती है जीपामाइड, जिसका डोज होता है 20 to 40 mg। मेटालोजोन, जिसका डोज होता है 5 to 20 mg। अब सुनना इसके यूजेस। ठीक है, तो जो हाई एफिशिएंसी डायूरेटिक थी वो मैंने आपको बोला था कि साहब मेनली यूज ली जाती है एडिमेटस कंडीशन, चाहे वो कार्डियक से रिलेटेड एडिमा हो या फिर हेपेटिक से रिलेटेड एडिमा हो, है ना, या फिर पल्मोनरी एडिमा हो, तो मेनली हाई एफिशिएंसी डायूरेटिक अपन यूज ले रहे थे, है ना। लेकिन हाई एफिशिएंसी डायूरेटिक क्या होती है कि शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए काम करती है, ठीक है, और जो मीडियम एफिशिएंसी डायूरेटिक्स हैं ये लॉन्ग टाइम के लिए एक्ट करती है, लॉन्ग समय तक काम करती है। ठीक है, तो जब एडिमेटस कंडीशन होती है, ठीक है, और वो लंबे समय तक अगर चल रही है, तो आप क्या करोगे कि साहब पहले इनिशियली तो आप दे दोगे हाई एफिशिएंसी डायूरेटिक। क्यों? क्योंकि वो जल्दी से एक्ट करती है, ठीक है, और उसका टाइम पीरियड कम है। ठीक है, तो जैसे उसका टाइम पीरियड खत्म होने वाला होगा, कौन सी ड्रग काम करने लग जाएगी? मीडियम एफिशिएंसी डायूरेटिक। ठीक है, तो जो इफेक्ट होगा वो लंबे समय तक देखने को आपको मिल जाएगा। तो एडिमा के लिए मैंने कहा है साहब कि ओनली फॉर मेंटेनेंस। ठीक है, तो स्टार्टिंग अपन करेंगे हाई एफिशिएंसी डायूरेटिक से, ठीक है, और लो एफिशिएंसी डायूरेटिक जो है वो उसका एडिमा को कंट्रोल करने के काम में आ जाएगी। यहां तक बात क्लियर है?
सेकेंड आता है हाइपरटेंशन। तो जब अपन एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स पढ़ रहे थे, जब हम एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स पढ़ रहे थे उस टाइम मैंने आपको बोला था कि साहब ड्रग ऑफ चॉइस के अंदर, हाइपरटेंशन की ड्रग ऑफ चॉइस के अंदर मीडियम एफिशिएंसी डायूरेटिक्स जो होगी यानी कि थाइजाइड्स और थाइजाइड लाइक डायूरेटिक, वो फर्स्ट लाइन ड्रग रहेगी हाइपरटेंशन के लिए। ठीक है, बेस्ट चॉइस कौन सी है? थाइजाइड और थाइजाइड लाइक हाइपरटेंशन के ट्रीटमेंट के लिए। यहाँ तक बात क्लियर है? अब हाइपरकैल्सियूरिया हो रहा है यानी कि यूरिन के थ्रू कैल्शियम बहुत बाहर निकल रहा है, ठीक है, और कैल्शियम स्टोन्स हैं जो कि बार बार हो रहे हैं, ठीक है। इन दोनों कंडीशन के अंदर हम यूज ले सकते हैं, क्यों? क्योंकि ये जो मेडिसिन थी थाइजाइड एंड थाइजाइड लाइक, ये मैंने बोला था ये कैल्शियम की सेविंग करती है, ठीक है, कैल्शियम को यूरिन के थ्रू कम से कम बाहर निकालती है। और यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ मैं कि हाइपर कैल्सियूरिया, अगर हाइपर कैल्सियूरिया हो रहा है तो उस पेशेंट के अंदर हम यूज ले सकते हैं, क्यों? क्योंकि इसका एक्शन क्या दिखा रहा था, ये हाइपो कैल्सियूरिया यानी कि कैल्शियम को यूरिन के थ्रू कम से कम बाहर निकाल रहा था। यहाँ तक बात क्लियर है? फोर्थ मैंने यूज इसका बताया डायबिटिक इंसिपिडस, ठीक। तो आपने डायबिटीज मेलाइटिस का नाम सुना होगा, ठीक है, जिसके दो तीन टाइप होते हैं, टाइप वन, टाइप टू और गैस्ट्रेशनल डायबिटीज, ठीक है। तो उसकी हम बात नहीं कर रहे हैं, यह है डायबिटीज इंसिपिडस, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है कि पेशेंट का जो यूरिन आउटपुट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, पेशेंट को पोलीयूरिया होता है, ठीक है। तो जो थाइजाइड ड्रग है वो उसकी यूरिन आउटपुट को कम कर देगी, ठीक है। तो इसीलिए इसको हम डायबिटिक इंसिपिडस वाले पेशेंट में भी यूज ले सकते हैं। यहाँ तक बात क्लियर है? अब सुनो, कॉम्प्लिकेशन ऑफ हाई एंड मीडियम एफिशिएंसी डायूरेटिक। जो मैंने आपको हाई एफिशिएंसी डायूरेटिक पहले पढ़ाई थी उसके अंदर मैंने आपको उसके कॉम्प्लिकेशंस नहीं बताए थे क्योंकि मुझे यहाँ कवर अप करना था, ठीक है। तो यहाँ पे हम दोनों डायूरेटिक्स की बात करेंगे, हाई एफिशिएंसी एज वेल एज मीडियम एफिशिएंसी डायूरेटिक के कॉम्प्लिकेशंस, ठीक है। तो फर्स्ट आता है हाइपोकैलेमिया, फर्स्ट आता है क्या? हाइपोकैलेमिया। तो हाइपोकैलेमिया हम उस कंडीशन को बोलेंगे जब भी बॉडी के अंदर पोटेशियम का लेवल, ठीक है, बॉडी में ब्लड के अंदर पोटेशियम का लेवल लेस देन 3.5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर पहुंचाएगा, ठीक है। पोटेशियम की नॉर्मल वैल्यू होती है 3.5 to 5.3 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, ये तो नॉर्मल रेंज है, ठीक है। तो 3.5 से कम हो जाएगी तो वो होगा हाइपोकैलेमिया की स्टेट, ठीक है। अब जो हाई एफिशिएंसी डायूरेटिक है, मैंने आपको बोला था कि साहब ये बहुत कम समय तक के लिए काम करते हैं, ठीक है, बहुत जल्दी काम स्टार्ट कर देते हैं लेकिन बहुत शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए वर्क करते हैं, ठीक है। तो जो हाइपोकैलेमिया आपको देखने को मिलेगा हाई एफिशिएंसी डायूरेटिक की वजह से, वो होगा फॉर द शॉर्ट ड्यूरेशन, ज़्यादा लंबे समय तक के लिए हाइपोकैलेमिया नहीं होगा। लेकिन जो मीडियम एफिशिएंसी डायूरेटिक है उसका जो ड्यूरेशन है एक्ट करने का वो लंबा चलता है, ठीक है। इसी वजह से मीडियम एफिशिएंसी डायूरेटिक के कारण हाइपोकैलेमिया होने के ज़्यादा चांस है, मोर चांस किसकी वजह से? मीडियम एफिशिएंसी डायूरेटिक की वजह से। यहाँ तक बात क्लियर है? अब अगर किसी नॉर्मल इंडिविजुअल में आपको पोटेशियम की कमी ना हो यानी कि हाइपोकैलेमिया ना हो, उससे बचाना है तो आप कैबेज दे सकते हो, ठीक है, यानी कि पत्ता गोभी दे सकते हो क्योंकि पत्ता गोभी के अंदर पोटेशियम लेवल अच्छा खासा होता है। दूसरा आप बनाना भी दे सकते हैं, उसके अंदर भी पोटेशियम लेवल अच्छा खासा होता है। तो अगर नॉर्मल इंडिविजुअल है, ज़्यादा कमी नहीं हो सकती, तो उस कंडीशन में आप डाइट्री फॉलोअप से काम चला सकते हैं। लेकिन अगर हाइपोकैलेमिया हुआ है किसी स्पेशल रिस्क सिचुएशन की वजह से, अब स्पेशल रिस्क सिचुएशन बोल लूँ तो या तो लीवर की कुछ डिजीज है यानी कि सिरोटिक डिजीज है, या फिर कार्डियक प्रॉब्लम की वजह से हुआ है, या फिर पेशेंट चल रहा है डिजोक्सिन से, डिजोक्सिन पर। डिजोक्सिन मैंने आपको पहले पढ़ा चुका हूँ, ये ग्लाइकोसाइड है, ठीक है, जिसके अंदर डिजिटॉक्सिन डिजोक्सिन मैंने आपको पढ़ाई थी, कार्डियक हार्ट फेल्यूर में अपन ने इसको यूज लिया था, ठीक है। तो साफ फर्स्ट कंडीशन आती है सिरोटिक,
सेकंड आती है कार्डियक, और थर्ड आती है अगर पेशेंट डिजोक्सिन ले रहा है तो, ठीक है। इन सारी कंडीशन की वजह से क्या हो सकता है, हाइपोकैलेमिया की कंडीशन अराइज हो सकती है पेशेंट के अंदर। तो आप क्या करोगे, पोटेशियम क्लोराइड यूज ले सकते हो पर डे 24 to 72 milli equivalent आप एडमिनिस्टर कर सकते हो पेशेंट के अंदर, ठीक है। तो उसको क्या होगा, हाइपोकैलेमिया कंडीशन नहीं होगी, क्यों, क्योंकि उसको यहाँ से पोटेशियम मिल जाएगा, ठीक है। दूसरी कंडीशन आती है कि साहब जो भी बॉडी का वेस्ट प्रोडक्ट होता है मेनली यूरिन के थ्रू बाहर निकलता है, ठीक है। अगर यूरिन में आप पोटेशियम स्पेरिंग डायुरेटिक दे दो, पोटेशियम स्पेरिंग, पोटेशियम तो आ ही गया, स्पेरिंग मतलब उसका सेव कर रहा है, ठीक है, उसको बॉडी के अंदर वापस रीअब्सॉर्ब कर रहा है, ठीक है। तो आप पोटेशियम स्पेरिंग डायुरेटिक का भी यूज ले सकते हैं, ताकि यूरिन के थ्रू अगर कोई पोटेशियम लॉस हो रहा है तो उसको अपन वापस कंज्यूम कर लें। यहां तक बात समझ में आई। दूसरा जो कॉम्प्लिकेशन है वो है साहब एक्यूट सेलाइन डिप्लीशन। मैंने आपको बोला था कि ये क्या है, सॉल्यूरेटिक भी और नेचुरल यूरेटिक भी है, ठीक है। और एक्यूट सेलाइन डिप्लीशन यानी कि उसके अंदर सोडियम एंड क्लोराइड वगैरह की कमी आएगी, यहां तक बात क्लियर है। तीसरा कॉम्प्लिकेशन है डाइल्यूशनल हाइपोनेट्रीमिया, यानी कि सोडियम का कंटेंट इसके अंदर हो जाएगा कम और जो वाटर लेवल है वो हो जाएगा ज्यादा, जिसको बोला है मैंने डाइल्यूशनल हाइपोनेट्रीमिया। फोर्थ कॉम्प्लिकेशन आता है हियरिंग लॉस। अब आप सोच रहे होंगे साहब हम दवाई तो दे रहे हैं डायूरेटिक की जो कि किडनी के ऊपर एक्ट कर रही है, लेकिन उससे हियरिंग लॉस कैसे होगा, है ना। तो जो इसमें हियरिंग लॉस होगा वो कंडक्टिव हियरिंग लॉस होता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि जो हाई एफिशिएंसी डायूरेटिक है वो डैमेज कर देती है हियरिंग सेल्स को, हियरिंग सेल्स को डैमेज कर देती है, इसी वजह से हियरिंग लॉस देखा जाता है। फिफ्थ आता है एलर्जिक मैनिफेस्टेशन, ठीक है। तो जो पहले ड्रग आती थी, ठीक है, सल्फासेप्टोन्स वगैरह, तो जो भी सल्फर कंटेनिंग ड्रग्स होती है उनमें एलर्जिक मैनिफेस्टेशन देखे जाने के ज्यादातर चांसेस होते हैं, ठीक है। तो इसी वजह से इसके अंदर भी एलर्जिक मैनिफेस्टेशन दिख सकते हैं। सिक्स आती है हाइपर यूरिकेमिया, ठीक है। हाइपर मीन्स ज्यादा, यूरिक मतलब अपन यूरिक एसिड वगैरह की बात कर रहे हैं यहाँ पे, और एमिया मीन्स इन दी ब्लड स्ट्रीम, यानी कि इसका कॉम्प्लिकेशन एक ये भी देखने को आपको मिलेगा कि हाइपर यूरिकेमिया यानी कि ब्लड के अंदर यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ जाएगी। तो ये ज्यादा आपको देखने को मिलेगा मीडियम एफिशिएंसी डायुरेटिक की वजह से, क्यों, क्योंकि ये लॉन्ग ड्यूरेशन तक वर्क करती है, और जो कम चांसेस होंगे वो होंगे हाई एफिशिएंसी डायुरेटिक के साथ में, क्यों, क्योंकि हाई एफिशिएंसी डायुरेटिक जो है वो काम तो जल्दी करती है लेकिन वो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए करती है। यहां तक बात क्लियर है। नेक्स्ट कॉम्प्लिकेशन आता है हाइपोकैल्सीमिया। हाइपोकैल्सीमिया बोलूं तो कैल्शियम की कमी हो रही है ब्लड के अंदर, ठीक है। तो जो हाइपोकैल्सीमिया की कंडीशन होगी वो आपको देखने को मिलेगी हाई एफिशिएंसी डायुरेटिक के साथ में, ठीक है। और जो हाइपरकैल्सीमिया है यानी कि ब्लड के अंदर कैल्शियम का ज्यादा होना, वो आपको कंडीशन देखने मिलेगी मीडियम एफिशिएंसी डायुरेटिक के साथ में, ठीक है। तो मीडियम एफिशिएंसी डायुरेटिक के बारे में आपको बोला था कि साहब ये सारे इलेक्ट्रोलाइट का लॉस करेगा लेकिन जो कैल्शियम है उसको काउंटर इफेक्ट की वजह से ये सेव कर लेगा, ठीक है। तो इसी वजह से इसमें इफेक्ट देखने को मिलता है हाइपर कैल्शियम। यहां तक बात क्लियर है क्या, ये क्या कर रहा था, कैल्शियम की सेविंग कर रहा था, कौन, मीडियम एफिशिएंसी डायुरेटिक। इसके एग्जांपल कौन कौन आते हैं, थायजाइड और थायजाइड लाइक। थायजाइड के अंदर कौन आता है, क्लोरथायजाइड। यहां तक बात क्लियर है। एट आता है साहब प्रेगनेंसी। तो प्रेगनेंसी के अंदर ये जो ड्रग्स हैं ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड रहेगी, क्यों रहेगी, क्योंकि ये प्लासेंटल सर्कुलेशन को कम कर देती है, ठीक है। प्लासेंटल सर्कुलेशन बोलूँ तो साहब आपको पता होगा कि जो मदर है, प्रेग्नेंट वुमेन जो है, उसके अंदर फीटस बोल लो या एम्ब्रियो बोल लो, उसके पास जो भी न्यूट्रिशन जा रहा है वो जा रहा है मदर की प्लासेंटा के थ्रू, ठीक है। जब आप डायूरेटिक उसको देंगे तो जो प्लासेंटा में सर्कुलेशन नॉर्मल अमाउंट में जाना चाहिए वो कम हो जाएगा, ठीक है। इसकी वजह से फीटल डिस्ट्रेस हो सकती है और फीटस की डेथ भी
हो सकती है या फिर एबोर्शन हो सकता है, ठीक है। अब सुनो, इंट्रैक्शंस यानी कि ड्रग्स इंट्रैक्शन, यानी कि अगर मैं इन डायूरेटिक्स को किसी और ड्रग के साथ में दे दूं, ठीक है, या फिर दो ड्रग एक साथ ले रहा हूं मैं, ठीक है, तो कौन कौन सी ऐसी ड्रग है जो या तो इसका इफेक्ट कम कर सकती है या इफेक्ट ज़्यादा कर सकती है या फिर टॉक्सिसिटी बढ़ा सकती है। यहाँ तक बात क्लियर है? तो बात करते हैं इंट्रैक्शंस की। तो साहब, ये वो ड्रग है, अगर आपने एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग के साथ में दी है तो एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग का इफेक्ट बढ़ा देगी, ठीक है। और जो भी ड्रग किसी पर्टिकुलर ड्रग का इफेक्ट बढ़ाती है उसको हम बोलते हैं सिनर्जिक इफेक्ट। सिनर्जिक इफेक्ट यानी इफेक्ट को बढ़ाना। यहाँ तक बात क्लियर है? नेक्स्ट आता है ड्यू टू हाइपोकैलेमिया इंक्रीज डिजिटलिस टॉक्सिसिटी, ठीक है। जो कार्डियोग्लाइकोसाइट्स मैंने आपको पढ़ाए थे उसके अंदर मैंने आपको ड्रग्स बताई थी डिजिटलिस डिजोक्सिन, ठीक है। ये जो ड्रग होती है इनके क्रॉनिक यूज पे जो क्रॉनिक इनका कॉम्प्लिकेशन देखने में मिलता है वो होता है हाइपोकैलेमिया, ठीक है। क्रॉनिक कॉम्प्लिकेशन क्या होता है इनका? हाइपोकैलेमिया। और ये जो हम ड्रग्स की बात कर रहे हैं अभी, हाई एफिशिएंसी एंड मॉडरेट एफिशिएंसी डायूरेटिक, ये भी हाइपोकैलेमिया करती है, ठीक है। तो ये भी हाइपोकैलेमिया कर रही है, अगर पेशेंट डिजिटलिस ले रहा है या डिजोक्सिन ले रहा है तो वो भी हाइपोकैलेमिया करेगी। तो हाइपोकैलेमिया की जो कंडीशन है एक तो वो बढ़ जाएगी, ठीक है, एक ऑलरेडी ये हाइपोकैलेमिया कर रहा है, ठीक है। और डिजोक्सिन की जो क्रॉनिक टॉक्सिसिटी होती है उसके अंदर भी हाइपोकैलेमिया कंडीशन होती है, इस वजह से डिजोक्सिन की टॉक्सिसिटी भी बढ़ सकती है। यहाँ तक बात क्लियर है क्या? थर्ड आता है, अगर आपने फिरोसेमाइड यानी कि हाई एफिशिएंसी डायूरेटिक इसको आपने दिया है अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स के साथ में, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बोला था कि जो हाई एफिशिएंसी डायूरेटिक है वो हियरिंग सेल्स को डैमेज करती है, इसकी वजह से ऑटोटॉक्सिसिटी होती है यानी कि हियरिंग लॉस। हियरिंग लॉस भी कौन सा वाला? कंडक्टिव वाला। तो फिरोसेमाइड का मैंने बोला था कि साहब ये ऑटोटॉक्सिसिटी करती है और जो अमाइनो ग्लाइकोसाइड है वो भी ऑटोटॉक्सिसिटी करती है, इसी वजह से अगर आपने दोनों ड्रग को साथ दे दिया तो ऑटोटॉक्सिसिटी प्लस ऑटोटॉक्सिसिटी यानी कि खतरनाक ऑटोटॉक्सिसिटी, खतरनाक ऑटोटॉक्सिसिटी होगी तो इंसान में क्या होगा? हियरिंग लॉस हो जाएगा, हियरिंग की जो ऑटोटॉक्सिसिटी है वो लेवल बहुत बढ़ जाएगा, ठीक है। और ये क्रेनियल नर्व्स को डैमेज करके हियरिंग लॉस कर सकती है। समझ आया यहाँ तक? फोर्थ है साहब, या तो फ्रोसेमाइड दे दो, ठीक है, जो कि हाई एफिशिएंसी डायूरेटिक है, या फिर आप क्लोथेलिडोन दे दो जो कि थायराइड लाइक डायूरेटिक है, ठीक है। इन दोनों यानी कि हाई या मीडियम एफिशिएंसी डायूरेटिक को आप एमिलोराइड यानी कि एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग है ये, इसके मिश्रण में अगर आप देते हो तो क्या होता है कि जो फ्रोसेमाइड और क्लोथेलिडोन है, मैं आपको बार बार बोल रहा था कि ये क्या करेंगे, सारे इलेक्ट्रोलाइट को लॉस करते हैं, है ना। तो हाइपोकैलेमिया की कंडीशन हो रही थी, ठीक है, यानी कि पोटेशियम का लेवल कम हो रहा था ब्लड के अंदर, ठीक है। वेयर एज दिस ड्रग यानी कि एमिलोराइड जो है वो पोटेशियम को कंजर्व करता है यानी कि बचाता है, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होगा कि जो डायूरेटिक है वो तो लॉस करेगी पोटेशियम का, और ये जो दादा है अपना कौन ये एमिलोराइड है ना, तो एमिलोराइड क्या करेगा? पोटेशियम को बचाएगा प्लाज्मा के अंदर, तो इसकी वजह से पोटेशियम की कमी नहीं आएगी अपनी ब्लड के अंदर, यानी कि प्लाज्मा लेवल जो है पोटेशियम का वो कम नहीं होगा, अल्टर नहीं होगा। इसकी वजह से अपने को सिनर्जिस्टिक इफेक्ट देखने को मिलेंगे, और सिनर्जिस्टिक इफेक्ट मैंने क्या बोला था कि साहब इफेक्ट को बढ़ाएगा, ठीक है। जब एक ड्रग प्लस एक ड्रग मिलके इफेक्ट को बढ़ाती है तो उसको हम बोलते हैं सिनर्जिस्टिक इफेक्ट। यहां तक बात क्लियर है? अब आते हैं एडवर्स इफेक्ट के ऊपर। तो मैं आपको बार बार बोल रहा हूं कि ये जो ड्रग्स है, अगर हाई एफिशिएंसी डायूरेटिक्स की बात करोगे तो ये सारे क्या करता है? सबका लॉस करता है, ठीक है, सारे आयंस का लॉस करता है, चाहे वो सोडियम होगा, पोटेशियम होगा या फिर मैग्नीशियम हो गया, ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करूं मीडियम एफिशिएंसी डायूरेटिक की, जिसके अंदर थायजाइड लाइक आ गए, थायजाइड का एग्जांपल बोले तो क्लोरथायजाइड आ गया, ठीक है, तो ये जो है ये सारे का लॉस करता है, लेकिन ड्यू टू काउंटर इफेक्ट ये क्या करता है? सोडियम को बचाने के चक्कर में, ठीक है, सॉरी कैल्शियम को बचा लेता है, क्योंकि कैल्शियम के ऊपर भी पॉजिटिव आयन है, ठीक है, और
सोडियम को लॉस कर देता है, क्योंकि सोडियम को बचाने इसके हाथ में नहीं था, है ना। तो सोडियम को लॉस करता है और कैल्शियम को बचा लेता है, तो इसी वजह से कैल्शियम का जो लेवल है वो ब्लड के अंदर इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो साइड इफेक्ट आपको क्या देखने को मिलेगा साहब, ये सारी जो मतलब कुल मिला के इलेक्ट्रोलाइट डिस्टर्बेंस करता है। इलेक्ट्रोलाइट डिस्टर्बेंस में सोडियम पोटेशियम और मैग्नीशियम को कम कर देता है और कैल्शियम लेवल बढ़ा देता है। यहाँ तक बात क्लियर है। दूसरी खास बात सुनो, खास बात किसके लिए, मेल्स के लिए है, और मेल्स भी कैसे, आपके जैसे जो यंगस्टर्स हैं उनके लिए कि साहब ये जो ड्रग है ये इम्पोर्टेंस कोर्स करती है, ठीक है। यानी कि इम्पोर्टेंस कोर्स करती है, इसी वजह से जो थाइजाइड है वो प्रीफर नहीं की जाती है एज अ एंटी हाइपरटेंसिव इन द यंग मेल्स, ठीक है। यंग मेल्स के अंदर एंटी एज अ हाइपरटेंसिव यूज नहीं की जाती है, ठीक है। दूसरी बात सुनो, जो यंगस्टर्स हैं उनके अंदर बहुत रेयरली हाइपरटेंशन की कंडीशन देखी जाती है, ठीक है, तो वैसे ही नहीं देंगे। लेकिन अगर कोई ऐसा यंग कैंडिडेट है जिसके अंदर हाइपरटेंशन की कंडीशन अराइज हो रही है तो उसके अंदर दूसरी मेडिसिन अपन यूज लेंगे, लेकिन थाइजाइड्स नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे, क्योंकि ये इंपॉर्टेंस कॉज करती है। यहाँ तक बात क्लियर है। तो आज की हमारी क्लास मीडियम एफिशिएंसी डायूरेटिक यहीं ख़त्म करते हैं। आई होप यू लाइक द चैप्टर, यू अंडरस्टैंड इट वेरी वेल। थैंक यू वेरी मच।